सोचिए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जांच में टाइम खराब होता है, तो जांच ही नहीं करानी चाहिए, जांच में टाइम खराब होता है। बहरहाल चलिए आगे बढ़ेंगे। आज से करीब एक कहानी सुनिएगा, 12 साल पहले ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, आपको कुछ तस्वीरें कुछ यादें आज ताजा होंगी। आज से करीबन 12 साल पहले एंटी करप्शन भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से एक पार्टी का जन्म हुआ था, नाम रखा गया आम आदमी पार्टी। लेकिन से 12 साल के सफर में इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली पार्टी की स्थिति आज ये हो गई है कि भ्रष्टाचार के आरोप में आम आदमी पार्टी के जितने नेता विधायक जेल यात्रा कर चुके हैं, शायद संसदीय इतिहास में आज तक किसी और पार्टी के इतने नेता विधायक जेल यात्रा नहीं कर चुके हैं। अभी आम आदमी पार्टी के तीन तीन बड़े नेता जेल में हैं। आम आदमी पार्टी कहां से कहां आ गई है, या आप लोग तय करिए। मतलब जो आम आदमी पार्टी 2011 में कुछ इसी तरह से भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन कर रही है, भ्रष्टाचार के विरोध में, याद है, आज वही आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपियों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। दो तस्वीर आपको दिखाएंगे, ये दो तस्वीरें देखिए, कहां से कहां आ गए आप आम आदमी पार्टी, उनसे सवाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन और भ्रष्टाचार के आरोपियों के समर्थन में प्रदर्शन, कहां से कहां आ गई आप आम आदमी पार्टी। और ये प्रदर्शन भी वैसे कि ये जो प्रदर्शन होता है जब जब जांच एजेंसियां पहुंचती हैं, ये प्रदर्शन क्या न्यायपालिका के खिलाफ होता है, क्योंकि न्यायपालिका कोर्ट जमानत नहीं दे रही है, तो सड़कों पर उतर कर क्या कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश होती है, क्या इस तरह से सड़कों पर हो हंगामा हल्ला करके क्या एजेंसियों पर प्रेशर या दबाव बनाने की कोशिश होती है कि हम तो नेता हैं, सांसद हैं, बड़े लोग हैं, हम पर हाथ डालने की गलती मत करिएगा। मगर ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, आज की खबर का पूरा निचोड़, कहां से कहां आ गए आप, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन, कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने वाले, कट्टर ईमानदारी से और मतलब कई प्रतिमान स्थापित करने वाले अरविंद केजरीवाल ने खुद इस केस में पूछताछ अब उनसे भी हो चुकी है। अच्छा हाँ, इस केस में उनसे भी पूछताछ हो चुकी है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में केजरीवाल के सबसे करीबी सहयोगी मनीष सिसोदिया वो 7 महीने से जेल में है, 7 महीने से। ये जो एजिटेशन चलता है, जो आज की तस्वीर हम दिखाएंगे आपको, जो ये जो तस्वीरें हैं ये पुरानी तस्वीर है, जो प्रदर्शन आज हो रहा है ये क्या न्यायपालिका के खिलाफ है। 2011 में अन्ना आंदोलन में केजरीवाल के सहयोगी संजय सिंह को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर आज भेजा है, आज 5 दिन। कुछ तो मेरिट देखा होगा ना भाई कोर्ट ने भी, कुछ तो कोर्ट ने मेरिट देखा होगा केस में। वो कह रहे थे गलती से चार्जशीट में नाम आ गया, गलती से, 4 जगह नाम था, 1 जगह गलती से था, माफी नहीं। बल्कि वो जो अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि उनके नोटिस से ईडी की पैंट गीली, कल उनके कोट एंड कोट उनका बयान ट्वीट किया था आम आदमी पार्टी ने। अब सोचिए अरविंद केजरीवाल के एक और सहयोगी सत्येंद्र जैन पिछले 1.5 साल से जेल में है, वो 1.5 साल, कोई भी कोर्ट उन्हें जमानत देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारा एजिटेशन क्या न्यायपालिका के खिलाफ है, कोर्ट्स के खिलाफ है, एजेंसीज के खिलाफ है, मतलब यानी जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े दावे करके सत्ता में आई थी, जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार से लड़ाई में कहा था कि आरोप लगते ही नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए, कहा था ना इधर आरोप उधर इस्तीफा, बड़े बड़े प्रतिमान स्थापित किए थे, जिस पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल एक वक्त सोनिया गांधी से लेकर शरद पवार, लालू प्रसाद यादव से लेकर फारूक अब्दुल्ला के लिए कहते थे कि ये सभी नेता भ्रष्टाचारी हैं, इन्हें जेल में डाल देना चाहिए, है ना, लिस्ट लेकर आए थे, उसी पार्टी की स्थिति है कि आज अरविंद केजरीवाल से लेकर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है। शराब घोटाले में संजय सिंह, अब आज की खबर यह है 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर है। ईडी ने कोर्ट में कहा कि शराब घोटाले में संजय सिंह के खिलाफ काफी मजबूत सबूत हैं। दूसरी ओर शराब घोटाले के करीब 7.5 महीनों से तिहाड़ में बंद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने आज भी नहीं दिया जमानत, आज भी बेल नहीं मिली है, आज भी सुनवाई हो रही थी, क्यों नहीं दी बेल भाई। अब सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 12 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार का कोई फायदा मिला है तो पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया जा रहा है, पार्टी को पार्टी समझ रहे आप, पार्टी को इस मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया जा रहा है, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को, अगर एजेंसी सही कह रही है, ये कोर्ट ने पूछा, अगर आपके दावे में दम है कि उनको बेनिफिट मिला। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर भ्रष्टाचार के ऐसे बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी है तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया जा रहा। इन 2 दिनों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पूरी आम आदमी पार्टी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। लेकिन क्या हुआ है,
आज दरअसल आपको ये जानना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका के दौरान कोर्ट में आज क्या क्या हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या हुआ आज कोर्ट के अंदर। आज कोर्ट में सबसे पहले क्या क्या हुआ देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उनके वकील ने पूछा, संजय सिंह को गिरफ्तार करने का आधार क्या है? ठीक, संजय सिंह के वकील ने पूछा गिरफ्तारी का बेस क्या है भाई। इस पर ईडी की ओर से क्या कहा गया कि हमने संजय सिंह का फोन जब्त किया है, फोन से डेटा रिकवरी पर संजय सिंह से पूछताछ जरूरी है, दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। ठीक, तीन लोग पूछताछ के लिए बुलाए गए हैं, ये सब ईडी ने कहा, तीन को बुलाया गया है और अभी कन्फ्रंट कराना है, दो लोगों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ होनी है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि जब ईडी को लेन देन की जानकारी काफी समय से है तो अब क्यों संजय सिंह को अभी अरेस्ट क्यों? तब ईडी ने जवाब में कहा इस मामले में बयान अभी दर्ज हुए हैं 2023 में। इस पर संजय सिंह के वकील ने कहा कि दिनेश अरोड़ा की तो विश्वसनीयता, जो स्टार गवाह है सो कॉल्ड, उसकी विश्वसनीयता तो सवालों के घेरे में है, जिसके बयान के आधार पर मुझे आपने गिरफ्तार कर लिया। यह संजय सिंह के वकील ने कहा, क्योंकि कथित शराब नीति केस में ईडी और सीबीआई ने जो दो केस दर्ज किए हैं वो दोनों में आरोपी है, वो तो खुद आरोपी है। इस पर ईडी ने क्या जवाब दिया, ईडी ने जवाब दिया कि भाई दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने संजय सिंह के करीबी, दोबारा से सुनिएगा जो बता रहा हूं, ये ईडी ने कोर्ट में कहा है, दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा को 2 करोड़ रुपए दिए, 2 करोड़ रुपए बकौल ईडी, ये 2 करोड़ संजय सिंह के घर जाकर दिए गए। संजय सिंह के वकील ने फिर कहा भी कि संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा को जांच का आधार बनाया गया, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की? ये संजय सिंह के वकील ने पूछा, सर्वेश मिश्रा का बार बार नाम ले रहे हैं कि उनको 2 करोड़, तो उनसे पूछताछ क्यों नहीं की? इस पर ईडी ने कहा सर्वेश मिश्रा को पूछताछ के लिए समन जारी किया जा चुका है। कोर्ट की सुनवाई के दौरान ही संजय सिंह ने भी बीच में कहा कि सर्वेश को समन उनकी गिरफ्तारी के बाद जारी हुआ, उनका नाम कभी, ये संजय सिंह ने कहा, उनका नाम कभी सामने था ही नहीं भाई, तो अचानक उनका नाम कैसे आ गया, ये उन्होंने कोर्ट के अंदर पूछा संजय सिंह ने। इस पर ईडी ने क्या कहा, ईडी ने कहा कि दिनेश अरोड़ा से पूछताछ में कि संजय सिंह, दिनेश अरोड़ा ने कहा कि संजय सिंह प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसलिए पहले उनका नाम नहीं लिया मैंने, अभी 2 और लोग हैं जिनका नाम उसने नहीं लिया, ये खबर है। अभी दिनेश अरोड़ा ने कहा कि संजय सिंह प्रभावशाली व्यक्ति है, इसलिए पहले उनका नाम नहीं लिया, ये ईडी के वकील ने कहा। फिर उसने कहा अभी 2 और लोग हैं जिनका नाम उसने अभी तक नहीं लिया है, 2 और लोग, अब कौन है पता नहीं, बीजेपी बता रही है किंग पिन केजरीवाल है, किंग पिन मास्टरमाइंड केजरीवाल है, और अभी कोर्ट में ईडी के वकील कह रहे हैं कि ये अरोड़ा ने एक और बात कही है कि 2 और लोग हैं जिनका नाम अभी नहीं लिया गया। वैसे कोर्ट में जिस दिनेश अरोड़ा का जिक्र हुआ उसे कोर्ट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही अप्रूवल यानी कि सरकारी गवाह बनाने की मंजूरी दी। सरकारी गवाह होता है कि आप सच बता दीजिए, सरकारी गवाह बन जाइए, अप्रूवल कोर्ट ने परमिशन दी। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने बताया, क्या बताया, ये दिनेश अरोड़ा कोई बीजेपी का या कोई नहीं है, ये संजय सिंह का ही करीबी है जो पोल खोल रहा है क्योंकि सरकारी गवाह बन गया। दिनेश अरोड़ा ने बताया कि उसकी मुलाकात सबसे पहले संजय सिंह से हुई, उसके बाद दिनेश अरोड़ा डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया संजय सिंह के थ्रू, इसके बाद संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने कई बार मालिकों से बात की और दावा है 82 लाख रुपए मनीष सिसोदिया को दिए। 82 लाख उस वक्त आने वाले विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल किए जाने थे, संजय सिंह के इन्वॉल्वमेंट थी पूरे मामले में। सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने भी बताया कि उसने संजय सिंह ने एक्साइज विभाग में एक मामले में मदद मांगी तो संजय सिंह ने उसके लिए मनीष सिसोदिया से भी बात की और उसका काम करवा दिया। और सुनिए, दिनेश अरोड़ा ने यह भी बताया बहुत दिलचस्प है कि वो संजय सिंह के साथ केजरीवाल से भी मिल चुका है। ईडी की चार्जशीट में लिखा है कि इसी मामले में संजय सिंह ने अमित अरोड़ा नाम के एक दूसरे आरोपी को मनीष सिसोदिया से मिलवाया, बदले में क्या लिया संजय सिंह ने, बकौल ईडी की चार्जशीट, बदले में अपने करीबी विवेक कुमार को उसकी कंपनी में हिस्सेदारी देने की बात की, समझ रहे हैं आप, क्विड प्रो को, ये आरोप ईडी का चार्जशीट में। चार्जशीट के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने हिस्सेदारी देने पर ही शराब नीति में बदलाव की बात कही। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग,
तो कुछ 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 इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे झूठे केसों में फंसा फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। ये आम आदमी पार्टी कोई चिंदी चोर नहीं, ये आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है, ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। इस कारण से जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में आज देखने को मिल रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अब देखिए, ये बयान बहुत दिलचस्प है अरविंद केजरीवाल जी का। जांच में क्या रखा है, जांच क्यों करानी है, झूठे केस, अच्छा झूठा केस है सच्चा केस है जांच से ही तो पता लगेगा, तो जांच होगी तो पता लगेगा, लेकिन समय बर्बाद होता है, जांच से समय बर्बाद होता है तो खुला छोड़ दिया जाए करप्शन करने के लिए। क्योंकि झूठा अगर केस है, हो सकता है झूठा केस हो हमें नहीं पता, जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन अगर झूठा है तो वो तो जांच के बाद, जांच ही नहीं करनी चाहिए क्या? मतलब 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था, अब ईडी एकदम सिंगम अवतार में है। मतलब ईडी जो है आप कह लीजिए ओवर टाइम कर रही है, करप्शन का टाइम ओवर कर रहा है, ईडी ओवर टाइम कर रही है। क्योंकि तब प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बड़ा नारा देते हुए क्या कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मतलब ना मोदी खुद भ्रष्टाचार करेंगे और ना किसी और को भ्रष्टाचार करने देंगे, खाओगे बड़ा पछताओगे जेल जाओगे। 2014 में प्रधानमंत्री का असर यह हुआ उनके इस बयान का कि भारत में छापों का तूफान आ गया, रेड, कहीं कोई कोई पैसा नहीं खा पा रहा। यही सबसे बड़ी समस्या भी है, मतलब जो भ्रष्ट है उसी को मोदी से कष्ट है, ये भी यहां वाक्य है, बहुत स्ट्रांग लिख लीजिए, जो भ्रष्ट सिर्फ उसे ही मोदी से कष्ट। सिर्फ आज की बात करें तो जांच एजेंसियों ने आज एक साथ चार राज्यों में तीन अलग अलग पार्टियों के नेताओं मंत्रियों के खिलाफ छापे मारे हैं। दोबारा से सुनिए, आज एक साथ चार, अब कह रहे ना ईडी तुम बढ़े चलो, भ्रष्टाचार से लड़े चलो, ईडी तुम बढ़े चलो, देश तुम्हारे साथ है। एक साथ अलग अलग पार्टियों के नेताओं मंत्रियों के खिलाफ छापे, कहां कहां देखिए चार तस्वीरें। कल ईडी ने शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था, अब लगा थोड़ी सांस ले पाएंगे करप्शन या भ्रष्टाचारी का जो जो जिन पर आरोप है, लेकिन नहीं, ईडी तो सांस कहां लेने देगी अगर करप्शन किया। आज ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश के चार राज्यों में भ्रष्टाचार के आरोपों में छापेमारी की। पहले बंगाल ले चलते हैं आपको, बंगाल में ममता सरकार में मंत्री रतिन घोष के घर छापा मारा ईडी की यह कार्रवाई। मध्यम ग्राम नगर पालिका में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में बंगाल, उधर भ्रष्टाचार के खिलाफ आज दूसरी कार्रवाई तमिलनाडु, आप देखते रहिए बस, तमिलनाडु में डीएम के सांसद एस जगत रक्षकन के खिलाफ हुई आयकर विभाग की कार्रवाई, टैक्स चोरी के आरोपों को लेकर हुई। तीसरी कार्रवाई तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के विधायक मंगनी गोपीनाथ के खिलाफ हुई, टैक्स चोरी के आरोप में इनकम टैक्स विभाग ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की। लेकिन बकौल अरविंद केजरीवाल, जांच से तो समय बर्बाद होता है, जांच तो होनी नहीं चाहिए, झूठे केस होंगे, अरे झूठे होंगे तो जांच के बाद पता लगे ना गुरु। इसके अलावा आज ही दिल्ली एलजी ने दिल्ली सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल में फर्जी दस्तावेजों के जरिए शिक्षक नियुक्ति मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। ये एक और आज का अपडेट है, एक बार आपको फिर से बता देते हैं, आज का अपडेट ये है, दिल्ली में ही बता रहा हूं, दिल्ली एलजी ने दिल्ली सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल में फर्जी दस्तावेजों के जरिए शिक्षक नियुक्ति मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। दिल्ली में एक और मामला खुल गया, वैसे आपकी जानकारी के लिए। इतना ही नहीं, संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले लैंड फॉर जॉब स्कैम में पूरे लालू परिवार की कोर्ट में पेशी हुई थी। ये देखिए आप, दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू की बहन मीसा भारती पहुंची थी। हालांकि इस केस में कोर्ट ने सभी को बेल दे दी, लेकिन जांच ही नहीं होनी चाहिए, जांच से समय बर्बाद होता है। मतलब आप सोचिए लॉजिक, यानी दिल्ली से लेकर बंगाल और तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना तक जांच एजेंसियों का भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, जांच एजेंसियां सिंगम अवतार में है, घूस खाओगे करप्शन करोगे बहुत पछताओगे, जांच एजेंसियां सिंगम अवतार में। ध्यान दीजिए कि ईडी वही एजेंसी है जिस पर, अच्छा ये आंकड़े सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, मनमोहन सरकार में ना सुस्ती के आरोप लगते थे कि ईडी का एक्शन नहीं है, ईडी मोदी सरकार भी इतनी चुस्त हो गई है कि पिछले 8 साल में लोग कहते हैं कि ईडी का खौफ चल रहा है, लोग कहते हैं ईडी का क्या चल रहा है, ईडी का खौफ चल रहा है, ईडी का आतंक कहता है विपक्ष। 8 साल में भ्रष्टाचारियों से 1,00,000,000,000 रुपए वसूल चुकी है ईडी, कितने 1,00,000,000,000, ये आपके हमारे टैक्स पेयर्स का ईमानदारी का पैसा है भाई।
लेकिन कुछ वक्त पहले ईडी की गिरफ्तारी की शक्ति छीनने के लिए कुछ वक्त पहले याद हो ना सुप्रीम कोर्ट में 242 याचिकाएं लगाई गई थी। ईडी को इतनी पावर्स क्यों दे दी गई है गिरफ्तारी की, इसकी उसकी। इन 242 याचिकाओं में कईयों को कांग्रेस का भी समर्थन हासिल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के खिलाफ सभी याचिकाओं को खारिज करके गिरफ्तारी का अधिकार बरकरार रखा। मोदी सरकार में, आप सुनिए जो आंकड़े बता रहा हूं, मोदी सरकार में ना ईडी जिस सुपरसोनिक रफ्तार से काम कर रही है उसका नतीजा है 2014 से 2022 तक ईडी करीब 1,00,000 करोड़ की संपत्ति। अच्छा ये कंपैरिजन देखिए आप, मैं एक एक करके आपको सुनाऊं, थोड़ा सा पास आ जाइए। 9 साल में 4,000 करोड़ की संपत्ति जब्त यूपीए मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, 9 साल में 4,000 करोड़। अब यहां आ जाइए, मोदी सरकार ने 2004 से 2022 तक का आंकड़ा है जो संसद में रखा गया था, लगभग 27 मतलब ये आप 1,00,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, 1,00,000 करोड़ की संपत्ति जब्त, 4,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है 4,000 करोड़ से। अच्छा मोदी सरकार में अप्रैल 2004 से 2020 के बीच कितने के, अच्छा ये आप आंकड़ा देखिए, 9 साल में 1,867 केस दर्ज हुए मनमोहन सरकार में, कितने 9 साल में 1,867 ईडी। अब यहां आ जाइए 2004 से 2022 में लगभग डबल ही मान लीजिए, 3,500 केस दर्ज हुए, 3,500 केस लगभग 88% ज्यादा, पूरा ही डबल हो गया ना पूरा। आप मान लीजिए यूपीए सरकार में मैंने आपको बताया कि 1,867 केस दर्ज किए गए, मनमोहन सरकार में 9 साल में ईडी के, अच्छा कितने छापे कितने पड़े ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड बहुत पड़ रही है ना आजकल रेड, ये देखिए रेड 9 साल में कितने 112 ठीक। अब 112 से यहां आ जाइए 14 से 22 ये 2,974, ये लगभग 3,000 है, 3,000 ये इससे 27 गुना ज्यादा छापे मार रही है ईडी। ईडी को आप सोचिए, जब प्रधानमंत्री ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी का ताप भ्रष्टाचारी सहन नहीं कर पाते हैं, इतनी गंभीरता से ले लिया ईडी ने कि एक एक भ्रष्टाचारी का नंबर आ रहा है, एक एक 3,000 से ज्यादा छापे, लगभग 27 गुना ज्यादा। मनमोहन सरकार में 104 चार्जशीट हुई 9 साल में, 104 चार्जशीट, कन्विक्शन अंडा जीरो, जीरो कन्विक्शन कोर्ट द्वारा, यहां 2004 से 2022 तक वहां 104, यहां लगभग आप सान लीजिए 8 गुना 9 गुना 888 चार्जशीट, 23 कन्विक्शन हुआ है। अब आप सोचिए ना कि अभी जो चल रहा है मोदी सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप में कोई नहीं बच रहा है, मतलब बड़े बड़े मंत्री नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक से पूछताछ हो चुकी है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी सोनिया गांधी से पूछताछ कर चुकी है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ वो हो चुकी है, फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती भूपेंद्र सिंह हुड्डा पी चिदम्बरम भ्रष्टाचार के मामले में उन पर भी चल रहे हैं। खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता सत्येंद्र जैन मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं, इस वक्त जेल में। वैसे संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब मैं आपको बताता हूं क्या रिएक्शन आ रहा है। इंडी गठबंधन अब ये कह रहा है कि ईडी सिर्फ विपक्ष को टारगेट कर रही है, यही आरोप लगते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियों के एक्शन के खिलाफ विपक्ष ने पूर्व ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के खिलाफ माहौल बनाया था, उनके एक्सटेंशन तक का विरोध किया था। ईडी सिर्फ इनको टारगेट कर रही है, सिर्फ ऑपोजिशन को, है ना, खासकर शराब घोटाले में। लेकिन जो लोग जांच एजेंसियों पर राजनीतिक दुर्भावना या ईडी पर सरकार के इशारे पर कार्रवाई के आरोप लगाते हैं ना, आज हम उनका मुंह बंद कराने वाले एक तथ्य लेकर आए हैं, ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं। शराब घोटाला ना, शराब घोटाले की बात कर लेते हैं। इसी साल 23 अगस्त को शराब घोटाला केस में झारखंड में छापेमारी हुई, सुबह 6 बजे से छापेमारी शुरू हुई, अभी 1.5 महीना पहले झारखंड में 32 जगहों पर छापे मारे गए, 32 जगहों पर 23 अगस्त 2023 झारखंड में ईडी की छापेमारी। मामला शराब घोटाले का ही था, किसका, शराब घोटाले का। लेकिन विपक्ष ने ईडी पर कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाया, किसने भेदभाव करने का आरोप नहीं लगाया था, वैसे तब भी लगाया था क्योंकि उसमें कांग्रेस के भी नेता शामिल थे, क्योंकि जिनके खिलाफ ईडी का छापा पड़ा ना इसमें बीजेपी के भी नेता थे, ईडी ने बीजेपी के नेताओं पर छापा मारा, ईडी ने बीजेपी के नेताओं पर छापा मारा शराब घोटाले के केस में। लेकिन कोई बताएगा नहीं ना आपको, नाम था बीजेपी के नेता अभिषेक झा और निर्भया शाहबादी, वो निर्भया शाहबादी तो झारखंड के गिरिडीह सदर से बीजेपी विधायक भी रह चुके हैं, मतलब क्यों भाई आप सोचे ना। अब भाई ईडी तो कहते हैं ना बीजेपी की चुनावी पार्टनर है ना, ईडी तो बदले की कार्रवाई करती है,
ईडर से विपक्ष को निशाना बना लेती है, तो फिर बीजेपी नेताओं के घर क्यों पहुंची बीजेपी, वो भी शराब घोटाले मनी लॉन्ड्रिंग के केस, तब क्यों नहीं शोर मचाया, वो भी तब जब संजय मिश्रा ही ईडी के डायरेक्टर थे, तब बीजेपी नेताओं पर छापेमारी हुई, वो अब डायरेक्टर नहीं है, तो अब भी करप्शन पर एक्शन इस वक्त भी चल रहा है।